हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीलेश और मैं आप सबका स्टडी शार्प 360 में स्वागत करता हूँ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकॉन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए, आपको लगातार अपडेट्स मिलते रहेंगे। मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ फेब्रुअरी 2019 के करंट अफेयर्स का पार्ट वन। तो शुरू करते सबसे पहला प्रश्न कि अन्नदाता सुखी भव स्कीम ये किस स्टेट ने चालू की है। ये चालू की है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। तो जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है उनको इस योजना से फ़ायदा होगा। आंध्र प्रदेश के सीएम है एन चंद्रबाबू नायडू और गवर्नर है ईएसएल नरसिम्हन। नेक्स्ट, राजस्थान की सरकार ने एक नई स्कीम लॉन्च की है, राजीव गांधी करियर पोर्टल। ये जो स्टूडेंट्स है उनके लिए ये एक पोर्टल बनाया गया है। ये कौन से स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है? तो इसका आंसर है 9 से 12, मतलब 9वीं कक्षा से लेके 12वीं कक्षा के बीच में जो स्टूडेंट्स है उनके लिए। राजस्थान के सीएम है अशोक गहलोत और वाइस सीएम है सचिन पायलट और यहाँ के जो गवर्नर है वो है कल्याण सिंह। ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट 10 वीक जो कि स्पोर्ट मैनेजमेंट फर्म है उसके साथ पार्टनरशिप की है, जो स्टेट में जो स्पोर्ट कल्चर है उसको प्रमोट करने के लिए? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। और ये जो 10 वीक है TNVIC ये भारत के पूर्व कप्तान अनिल कुंबड़े की है, ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट, सेकंड एशियन इंडिया यूथ सुमित कहाँ पर हुई? ये हुई थी गुवाहाटी में। गुवाहाटी आसाम में और आसाम की कैपिटल दिसपुर है, ये भी आप याद रखिए। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ये इस्टेब्लिश किया है, ये कौन से एनिमल के लिए ये आयोग इस्टेब्लिश किया है गवर्नमेंट ने? तो इसका आंसर है काऊ। अभी अभी जो 1 फरवरी को इंटरिम यूनियन बजट डिक्लेयर किया है भारत के नए फिनांस मिनिस्टर पीयूष गोयल ने, उसमें ये इस्टेब्लिश होगा ऐसा बताया गया है। और भारत के यूनियन बजट के ऊपर मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस डाल चुका हूँ, 1 हाइलाइट्स के ऊपर और 1 में MCQs दिए है। और जो बजट की हिस्ट्री है उसके ऊपर भी मैं वीडियो डाल चुका हूँ, तो अगर आपको इच्छा होगी तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। ओके, उसमें बजट के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। सेंटर ऑफ इंटरनेशनल मॉडर्न आर्ट CIMA अवार्ड ये किसे मिला? ये मिला शशिकांत पाटिल को, ये महाराष्ट्र से है। केरला गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम लॉन्च की है जो नॉन रेसिडेंट से उनमें रहने वाले उन्हें एक रेगुलर पेंशन देने के लिए? तो ये है प्रवासी डिविडेंड पेंशन स्कीम। और केरला के जो CM है वो है पिनारई विजयन और यहाँ के गवर्नर है P. सचिवम। भारत पर्व का चौथा एडिशन कहाँ हुआ? ये हुआ न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने
सबसे पहली यूनिवर्सिटी जम्मू एंड कश्मीर की कहाँ पे किस रीजन में स्थापित की है? तो इसका आंसर है लद्दाख, लद्दाख रीजन में स्थापित की है। और जम्मू एंड कश्मीर में राष्ट्रपति शासन है, और यहाँ के जो गवर्नर है वो है सत्यपाल मलिक। ओके। और नरेंद्र मोदी ने एक नया फाउंडेशन स्टोन स्थापित किया है, मतलब वहाँ के जो कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, जैसे कि एम्स, IIMC, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, इनकी जो शाखाएं हैं यूनिवर्सिटीज़, वो वहाँ पर खोली जाएंगी जम्मू एंड कश्मीर में। ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट, म्यूज़िक और डांस का एक फेस्टिवल होता है सोपान, वो 2019 में कहाँ हुआ? ये हुआ न्यू दिल्ली में। फ्रानोइस लबोर्डे, जिन्हें की लेजेंडी ऑनर इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। लेजेंडी ऑनर कौन से कंट्री का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है? ये होता है फ्रांस का, फ्रांस का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है लीजेंडी ऑनर। यहाँ की कैपिटल करेंसी तो आपको पता ही होगी। और इमैनुअल मैक्रोन यहाँ के प्रेसिडेंट है, ये भी आप याद रखिए। इंडिया इंटरनेशनल लेदर फेयर का 34th एडिशन कहाँ हुआ? ये हुआ चेन्नई में, ये भी आप याद रखिए। और यूनाइटेड नेशंस ने कौन से साल को पीरियोडिक इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीरियोडिक टेबल घोषित किया है? तो मौजूदा साल मतलब 2019 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीरियोडिक टेबल जो है वो घोषित किया है किसने? तो यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस जो है उसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। और जब सेकंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया था तब, मीन्स 24 अक्टूबर 1945 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। ओके, ये भी आप याद रखिए। IDBI फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कोलकाता मैराथन किसने जीता? तो ये जीता अंजलि सरावगी ने, और पिछली बार भी यही थी इसकी विनर, तो उन्होंने अपना टाइटल रिटेन कर लिया है। और उनके करियर का सबसे कम समय में ये मैराथन उन्होंने कंप्लीट की है, ये भी आप याद रखिए। स्पेशल सेक्रेटरी किसे अपॉइंट किया गया है होम मिनिस्ट्री में? तो इसका आंसर है एपी माहेश्वरी। एपी माहेश्वरी अभी स्पेशल सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत होंगे होम मिनिस्ट्री में। नेक्स्ट, नया स्पोर्ट्स सेक्रेटरी किसे अपॉइंट किया गया है? तो इसका आंसर है राधेश्याम जुलानिया। नेक्स्ट, अभी अभी वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट थे जिम यंग किम, उन्होंने रिज़ाइन कर लिया है, जो कि आपको पता ही होगा ये साउथ कोरिया से थे। और अभी इंटरिम प्रेसिडेंट जो है वो वहाँ की जो क्रिस्टियाना लगाड़े थी CEO, उन्हें बनाया गया है। और अभी नए प्रेसिडेंट के रूप में किसे नॉमिनी किया गया है US के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा? तो इसका आंसर है डेविड मालपास। तो अगर डेविड मालपास चुने जाते हैं तो वो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट बन सकते हैं। दिनेश भाटिया
यह भारत के किस देश के लिए अम्बेसडर बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं अर्जेंटीना के लिए। अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनोस एयर्स, करेंसी पीसो। संजीव रंजन किस देश के लिए भारत के अम्बेसडर बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं कोलंबिया के लिए। कोलंबिया की कैपिटल है बोगोटा, करेंसी पीसो। और नीलांबर आचार्य ये किस देश के भारत के लिए अम्बेसडर बनाए गए हैं? तो ये नेपाल के अम्बेसडर है भारत में, यहाँ पे याद रखिए। ऋषि कुमार शुक्ला जो कि सीबीआई के नए डायरेक्टर बने हैं, ये कितने साल के लिए बने हैं? तो ये बने हैं 2 साल के लिए, ये भी आप याद रखिए। सीबीआई में एडिशनल चार्ज किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है प्रवीण सिन्हा को। एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प्स, इसमें डायरेक्टर जनरल के पद के लिए कौन अपॉइंट हुआ है? मतलब उन्होंने अभी चार्ज अज्यूम कर लिया है, तो वो है राजीव चोपड़ा। और कॉर्पोरेशन बैंक का हेडक्वार्टर है मंगलोर में, और इसकी एमडी और सीईओ कौन बनी है? तो वो है पीवी भारती। और पीवी भारती जो है वो फर्स्ट वुमन है जो कि कॉर्पोरेशन बैंक में इस पद पर आई हो। नेक्स्ट, यूएस प्रेसिडेंट के द्वारा किसे अपॉइंट किया गया है उनके असिस्टेंट और चीफ मेडिकल एडवाइज़र के रूप में? तो है रॉनी जैक्सन, ये बहुत ही बड़े फिजिसिस्ट है, उन्हें यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने चीफ मेडिकल एडवाइज़र बनाया है। नेक्स्ट, इंटीरियर डिपार्टमेंट का हेड किसे बनाया है यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने? मतलब अभी बनाया नहीं है, अभी सिर्फ नॉमिनेट किया है, वो है डेविड बर्न हार्ड। नेक्स्ट, अभी ऑर्बिटोरी से कुछ प्रश्न, और ऑर्बिटोरी के ऊपर प्रश्न आमतौर पर पूछे ही जाते हैं। तो रमेश भाटकर जिनका निधन हो गया, ये कौन थे? ये एक एक्टर थे जो कि मराठी फिल्मों में काम करते थे, मतलब ये महाराष्ट्र से थे, और इन्होंने बहुत सारे टीवी शोज में या फिल्मों में काम किया है। लाडू किशोर स्वैन जिनका हाल ही में देहांत हो गया है, ये कौन थे? ये एक पॉलिटिशियन थे, ये ओडिशा से थे, और ये बीजू जनता दल बीजेटी इससे रिलेटेड थे। नेक्स्ट, बनारसी सिंह जिनका देहांत हो गया है, ये कौन थे? ये एक जर्नलिस्ट थे और ऑथर भी थे, ये यूनिवार्ता न्यूज़ के एडिटर थे, ये भी आप याद रखिए। अला मशजोब जिनका निधन था हो गया, ये कौन थे? ये बहुत ही फेमस नॉवेलिस्ट थे और ये इराक से थे। अभी अभी जो पीसीए फ्रेमवर्क से आरबीआई ने 3 बैंक्स को एग्जिट होने के लिए अलाउ कर लिया गया, तो ये 3 बैंक्स कौन है? पीसीए जो है वो होता है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, मतलब किसी भी बैंक ने दिया हुआ लोन अगर उनके पास वापस रिकवर नहीं होता है तो फिर उसे बोलते हैं प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। मतलब 90 दिन तक अगर कोई भी लोन टेकर अगर कोई पेमेंट नहीं करता है बैंक को, तो वो जो लोन की अमाउंट होती है वो पीसीए में आती है। तो ये 3 बैंक से बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स,
बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हेडक्वार्टर है पुणे में, बैंक ऑफ इंडिया का मुंबई, और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का दिल्ली, दिल्ली के गुड़गांव में, ये आप याद रखिए। तो ये तीन बैंक सभी पीसीए के फ्रेमवर्क से बाहर निकल सकते हैं। नेक्स्ट, एग्रीकल्चरल लोन्स जो होते हैं उसके लिए कोलैटरल फ्री लिमिट पहले 1 लाख रुपए का था, अब वो आरबीआई ने बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो इसका आंसर है 1.6 लाख। मतलब जो एग्रीकल्चरल लोन है उन्हें अब बगैर किसी ऋण से 1.6 लाख रुपीज़ तक लोन मिल सकता है, पहले ये 1 लाख था। और आरबीआई ने 2 करोड़ रुपए की पेनाल्टी किस बैंक के ऊपर लगाई है? जो चेक के पेमेंट्स होते हैं उनके रिलेटेड कुछ वायलेशन करने के लिए, तो वो है एक्सिस बैंक और यूको बैंक। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई, यूको का कोलकाता, और एक्सिस बैंक के ऊपर 2 करोड़ से भी अलावा और भी कुछ चार्जेस लगाए गए हैं, मतलब पेनाल्टी लगाई गई है आरबीआई के द्वारा, ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट, आरबीआई ने 1 करोड़ का जो फाइन है वो किस बैंक के ऊपर लगाया? जो बैंकिंग सिस्टम के रूल्स है उसमें वायलेशन करने के लिए, तो वो है एसबीआई। और एसबीआई के अलावा फिलहाल अभी अभी सिंडिकेट बैंक के ऊपर भी 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया गया है। सिंडिकेट बैंक का हेडक्वार्टर है मणिपाल में, ये भी आप याद रखिए। ईरडी, इन्होंने किस इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर 9 लाख रुपए का फाइन लगाया है? तो ईरडी का फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मतलब जैसे कि बैंकों के लिए आरबीआई होती है, वैसे जो इंश्योरेंस सेक्टर होते हैं वो सब ईडी के अंडर आते हैं। तो इसका आंसर है UIIC, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। ईडी का हेडक्वार्टर है हैदराबाद में और UIIC का चेन्नई में, ये भी आप याद रखिए। उज्जीवन स्मॉल फिनांस बैंक ने जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है उन्हें फाइनेंशियल क्रेडिट सर्विसेज देने के लिए कौन सी सुविधा लॉन्च की है? तो इसका आंसर है उज्जीवन बैंक किसान सुविधा लोन। मतलब जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है, छोटे फार्मर्स, उन्हें इसका फायदा होगा। और इस उज्जीवन स्मॉल फिनांस बैंक का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। नेक्स्ट, कौन सी स्पेशल पर्पस व्हीकल SPV लॉन्च की गई है जर्मनी, फ्रांस और यूके के द्वारा? जो नॉन डॉलर ट्रेड है ईरान के साथ उसके लिए, मतलब ईरान के साथ पेमेंट करने के लिए वगैरह, उसके लिए एक स्पेशल पर्पोज व्हीकल बनाया है इन तीन कंट्रीज ने, जर्मनी, फ्रांस और यूके ने। वो कौन सा है? वो है इंस्टेक्स। इसका फुल फॉर्म है इंस्ट्रूमेंट इन सपोर्ट ऑफ ट्रेड एक्सचेंजेस। नेक्स्ट, नॉर्थ मैसेडोनिया ये नाटो का कौन सा मेंबर बना है? तो नाटो के अब तक 29 मेंबर्स थे, तो अब ये 30th मेंबर बन गया है, नॉर्थ मैसेडोनिया। और नाटो का जो हेडक्वार्टर है वो है ब्रुसेल्स, बेल्जियम की कैपिटल है इसमें। और ये जो है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये कब इस्टेब्लिश हुई है? तो वो हुई है 4 अप्रैल 1949 में,
ये भी आप ही याद रखिए। अब स्पोर्ट्स के बारे में कुछ क्वेश्चंस। आईसीसी वुमेन्स ओडीआई रैंकिंग में कौन नंबर वन बनी है? तो इसका आंसर है स्मृति मंथना। और 200 ओडीआई खेलने वाली सबसे पहली वुमेन क्रिकेटर कौन है? तो इसका आंसर है मिताली राज। ये भी आप याद रखिए। और T20 इंटरनेशनल क्रिकेट जो होता है मेंस का, उसमें रोहित शर्मा भी अभी सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। और इसके पहले कौन थे? तो वो थे मार्टिन गुप्तिल, ये न्यूजीलैंड के थे। नेक्स्ट, सीटल ओपन प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन चैलेंजर स्क्वैश टूर इवेंट ये किसने जीता? तो सबसे पहले तो आप याद रखिए कि ये जो सीटल ओपन होता है ये स्क्वैश का टूर्नामेंट होता है, और ये रमित टंडन ने जीता है। तो अगर आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि रमित टंडन किस खेल से संबंधित है, तो उसका आंसर होगा स्क्वैश। नेक्स्ट, प्रो रेसलिंग लीग, ये प्रो रेसलिंग लीग जो है वो ग्रेटर नोएडा में हुई थी। ओके, और इसका ये फोर्थ एडिशन था 2019 में। इस किसने जीता? ये हरियाणा हैमर्स ने जीता। हरियाणा हैमर्स जो है वो पिछली बार रनर अप थी, और इस बार उन्होंने हराया है पंजाब रॉयल्स को फाइनल में। हेवोई जेड लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल ये किस कंपनी ने सक्सेसफुली टेस्ट किया? तो वो है ईरान। तो हेवोई जेड जो लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है वो ईरान की है। ईरान की कैपिटल है तेहरान, करेंसी रियाल। और भारत ने अभी अभी किस कंट्री के साथ एमओयू साइन किया है? ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी के फील्ड में, तो इसका आंसर है ब्राज़ील। ब्राज़ील की कैपिटल है ब्रासिलिया और करेंसी है रियल। नेक्स्ट, इंडियन कोस्ट गार्ड ने किसके साथ एमओयू साइन किया है? एरोनॉटिकल और मैरिटाइम सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए। तो इसका आंसर है AAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इंडियन कोस्ट गार्ड और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया दोनों का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, ये भी आप याद रखिए। भारत ने किस देश के साथ एमओयू साइन किया है? जो पोस्टल रिलेशंस होते हैं, मतलब पोस्टल रिलेशंस के लिए कोल एंड माइनिंग के फील्ड में, तो बस इतना याद रखिए कि कोल और माइनिंग के फील्ड के लिए भारत ने पोलैंड के साथ एमओयू साइन किया है। एमओयू मींस होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मींस कोई भी एग्रीमेंट। पोलैंड की कैपिटल है वर्सोवा और करेंसी है ज्लॉटी। ये आपको याद ही रखने पड़ेंगे क्योंकि अजीब से नाम है थोड़े। भारत ने किस देश के साथ एमओयू साइन किया है बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में? तो इसका आंसर है फिनलैंड। फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी और करेंसी है यूरो। नेक्स्ट,
पाकिस्तान को फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ाने के लिए कौन सी कंट्री 2.5 बिलियन डॉलर का लोन प्रोवाइड करने वाली है? तो इसका आंसर है चाइना। चाइना पाकिस्तान को इतना लोन देगी जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसमें बूस्ट करने के लिए, मतलब बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट, भारत की कौन सी कम्युनिकेशन सैटेलाइट सक्सेसफुली लॉन्च की गई है फ्रेंच गुयाना से? तो इसका आंसर है जी सैट 31। और फ्रेंच गुयाना में लॉन्च की गई है ये, तो वहाँ की कैपिटल है कोनाक्री और करेंसी है फ्रैंक। ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट, भारत ने जो अगले साल का ईयर है उसके लिए कितना परसेंट भारत का जीडीपी ग्रोथ रखा हुआ है, मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ रेट फाइनेंशियल ईयर 2020 के लिए? तो इसका आंसर है 7.4। नेक्स्ट, 2 फरवरी को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल? तो इसका आंसर है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। नेक्स्ट, वर्ल्ड कैंसर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका आंसर होगा 4 फरवरी। और इस साल 2019 में इसका थीम क्या था? इसका थीम था आई एम एंड आई विल। ये आप याद रखिए। और इसको किसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है? तो वो है यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल, UICC। ये भी आप याद रखिए। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फ़रवरी 2019 के करंट अफेयर्स के। तो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए। और हमारे चैनल स्टडी शार्प 360 को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, तो अभी अगला वीडियो जो होगा उसमें मैं आपके लिए फ़रवरी के करंट अफेयर्स का पार्ट 2 लेकर आऊँगा। तो तब हम फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए बाय।